हेलो बच्चों, रेडियस क्लासेस 247 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बच्चे हम लोग करने वाले हैं एक बेहतरीन थ्योरम की शुरुआत। तो थ्योरम को आज प्रूव करेंगे। थ्योरम का नाम क्या है? तो देखिए, थ्योरम है हमारा प्रूव दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर्स, यानी कि रूट थ्री को आपको प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर्स होता है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग अप्रोच क्या रखने वाले हैं, यहाँ पे कंट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करने बच्चे। कंट्राडिक्शन मेथड वो मेथड होता है कि जो अगर प्रूव करना है, जिस चीज़ को प्रूव करना है उसको हम लोग जस्ट उल्टा मानते हैं। जैसे यहाँ पे इरेशनल नंबर्स प्रूव करना है तो हमको इसको मानना होगा रेशनल नंबर्स, और वही बच्चे ये कर पाएंगे जो रेशनल और इरेशनल से वाकिफ है, यानी कि इरेशनल इरेशनल नंबर्स जो जानते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कैसे इसको प्रूव करेंगे। अगर लाइन बाय लाइन आप जैसे मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर, वैसे अगर आप लिख देते हैं तो बोर्ड में आपको फुल में फुल नंबर्स मिल जाएंगे। तो चलिए ना करते हैं बच्चे, शुरू करते हैं इसका। देखिए यहां पे क्या है हमारे पास, प्रूव दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। तो इसमें क्या हम लोग अप्रोच रखने वाले हैं, इसको हम लोग ऐसे मानेंगे कि लेट रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, क्यू इक्वल्स टू नॉट जीरो, एंड पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। ठीक है, तो इसमें कॉमन फैक्टर जो होगा पी आर क्यू का, वो वन के अलावा कोई और नहीं होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इसलिए देखिए रूट थ्री को हम लोग लिख सकते हैं पी वाई क्यू। अब इसको क्या करना है, इसको आप लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ना, तो यहाँ पे देख सकते हो कि रूट थ्री का होल स्क्वायर होगा और इधर पी और क्यू का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इस केस में क्या आएगा हमारे पास, अब देखिए रूट थ्री का करेंगे तो हो जाएगा आपका थ्री और यहाँ पे पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, इसको इधर लेके आ जाना है। ठीक है, सब पर इम्प्लाइज डैट डाल देंगे ताकि सुंदर लगे, और यहाँ पे थ्री पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से क्या हम लोग लिख सकते हैं, ये जो थ्री है ये पी स्क्वायर को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। थ्री क्या कर सकता है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है और साथ ही साथ पी को भी डिवाइड कर सकता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि क्लियरली हेयर थ्री इज फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर एंड पी का है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब यहां पे हम लोग आगे लिखेंगे लेट, यहां पे देखो लेट क्या करते हैं, जो हमारे पास है P का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 3R। क्यों ऐसे मानेंगे, अगर मान लो कि यहाँ पे रूट रहता 2 तो यहाँ पे हम लोग 2R मानते हैं। अब इससे क्या होता है, इज P इक्वल्स टू 3R और यहाँ से पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन वन में इसको क्या कर लिए, इक्वेशन वन में पुट करते हैं। अब यहां से क्या हो जाएगा भाई, थ्री क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू होगा p के जगह पे हम लोग 3R लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर लिखेंगे। अब यहां से बनेगा आपका थ्री क्यू स्क्वायर और ये होगा 9R स्क्वायर। अब इससे आप काट दो इसको तो 13 बन जाएगा। तो यहां पे होगा क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 3R स्क्वायर। अब यहां से क्या लिख सकते हैं बच्चे, तो यहां से आप ध्यान दीजिए कि यहां से लिख सकते हैं कि जो 3 है q को काट सकता है और q स्क्वायर को भी काट सकता है। तो यहां से आगे हम लोग लिख लेते हैं, इसके बाद जस्ट है। तो यहां से देख सकते हैं कि हेयर 3 इज फैक्टर ऑफ p एंड सॉरी यहां से q है ना, तो q स्क्वायर और q, बात समझ में आ गया। तो यहां पे से पता क्या चल गया कि 3 जो है फैक्टर है किसका, क्यू स्क्वायर का और क्यू का फैक्टर है। ठीक है, और यहां से पता चला था फर्स्ट वाले इक्वेशन से कि जो 3 है इज द फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर और पी। तो हम लोग यहां पे दोनों को सम अप करके लिख सकते हैं ना कि हेयर वी फाउंड दैट 3 इज द कॉमन फैक्टर 3 इज द
कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, पी एंड क्यू। अब देखो यहां पे क्या हुआ, थ्री जो हो गया कॉमन फैक्टर होगा, पी और क्यू दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया, लेकिन हम लोग मान चुके हैं ना कि पी एंड क्यू का कॉमन फैक्टर सिर्फ वन होगा, इसके अलावा कोई और नहीं होगा। तो दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन मतलब कि उल्टा हो गया, कंट्राडिक्शन। सो आवर सपोजिशन, सपोजिशन मतलब हमारा जो अनुमान था, सपोजिशन वॉज रॉन्ग, सपोजिशन वॉज रॉन्ग, हेंस हेंस रूट टू यानी कि रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। यहां पे आप लिख दो इसको प्रूव्ड, स्माइली। तो आई होप समझ में आ गया होगा बच्चे क्या करना है। तो सबसे पहले अगर रूट थ्री अगर दिया हुआ है या तो रूट टू ही है, रूट फाइव है जो इरेशनल नंबर ऑलरेडी है। अब इसको प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है, तो सबसे पहले उसको मान लेना है कि मान लिया कि ये रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर जो कि पी वाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, और इसका कॉमन फैक्टर वन के अलावा कोई और नहीं होगा, और उसके अनुसार हम लोग इस प्रकार से सोल्व करेंगे। रूट मान लो कि रूट थ्री रख दिया, उसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, और यहाँ पे दिखाएंगे कि थ्री इज द फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। सेकंड में क्या किए हैं कि थ्री को बताए हैं कि क्यू स्क्वायर के या तो क्यू के फैक्टर है, और इस दोनों से पता चला कि थ्री जो है क्या हो रहा है, दो कॉमन फैक्टर है किसके किसके अलावा, तो यानी कि पी और क्यू का थ्री कॉमन फैक्टर है अदर देन वन। ठीक है, इस कारण से ये कंट्राडिक्शन हुआ और हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो गया, और इस कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि रूट जो थ्री था जिसको रेशनल मान रहे थे वो एक्चुअली रेशनल नहीं है, इरेशनल है। आई होप ये थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। अगर ये थ्योरम समझ में आ रहा है तो आप इसको एक बार राइट डाउन कर लेना ढंग से, और इसको आप समराइज कर लेना, हो सकता है कि आपका एग्जामिनेशन में ये दो नंबर या तीन नंबर्स के पूछ दिया जाए। तो चलते हैं बच्चे दूसरे वीडियो की तरफ, आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले क्लास में, और अगले थ्योरम देखते हैं क्या होता है उसमें। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स लॉट, जय हिंद, वंदे मातरम।